फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं निवाका फैशन कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन से सेगमेंट में यहाँ पर काम करती है और लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर आपका क्या रहना चाहिए इस कंपनी के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो यहाँ पर हम निवाका फैशन जो कि एक पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मार्केट कैप भी यहाँ पर काफ़ी कम है। दैट इज़ ऑलमोस्ट अगर हम देखते तो 50 करोड़ से भी कम इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। बट यहाँ पर हम जो चीज़ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने वाले तो वो कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, इस कंपनी को जो है जो भी यहाँ पर कंपनी की जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ में कंपेयर करेंगे, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में किस तरह का और यहाँ पर हमें निवेश करना है या नहीं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी के अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग किस तरह से देखने को मिली है और क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह के रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो यहाँ पर निवाका फैशन जो कि बीटी सिंडिकेट लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, तो ये जो कंपनी है 2018 के अंदर इस कंपनी के यहाँ पर प्लान थे कि नियरली 15 स्टोर्स के अंदर इस कंपनी के जो है यहाँ पर मटेरियल जो कि यहाँ पर हमें जो है फैब्रिक्स रिलेटेड जो भी देखने को मिलते हैं, अपैरल या फिर गारमेंट रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी काम होता है वो यहाँ पर 15+ स्टोर के अंदर देखने को मिलेंगे। बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन अगर हम यहाँ पर देखते 2019-2020 के अंदर जो है यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर कंपनी की हमने वेबसाइट विजिट की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये कंपनी अपने जो बिजनेस के जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर यहाँ पर हमें VIP इंडस्ट्री, ITC, बॉम्बे डाइंग और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पर हमें नाम जो है आते हुए देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर 2018 के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है रिलायंस मेट्रो के साथ भी टाइप किया था, नियरली 4 स्टोर्स के लिए जो है यहाँ पर टाइप किया था और 4 जो है बैकअप स्टेशन के लिए भी जो कि मुंबई में होंगे उसके लिए भी यहाँ पर बात की थी। बट यहाँ पर ये जो भी कंपनी बिजनेस सेगमेंटेशन था, ये जो कंपनी का आइडिया था, आई डोंट थिंक ये जो है सक्सेसफुल हुए हैं। बिकॉज यहां पर अगर कंपनी के अभी करंटली मार्केट कैप भी देखते हो तो वो यहाँ पर निकल कर आता है 41.9 करोड़ रुपीज़। हालांकि जो चीज़ के ऊपर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि 2018-2019-2020 के अंदर यहाँ पर हमने कंपनी के अंदर जिस तरह से रेवेन्यू और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जो कंपनी ने जो टाइप्स किए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। करंटली स्टॉक का अगर हम यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग भी देखते हो तो वो यहाँ पर निकल कर आता है 55.9 और इंडस्ट्री का जो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 35.4, तो उसके मुताबिक भी पैनी स्टॉक होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकल कर आता है 5.93% और इस कंपनी का ROE परसेंट जो भी कंपनी यहाँ पर मार्केट में इक्विटी बेस है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी जो है 6.37% जो है यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी की यहाँ पर जो बुक वैल्यू देखने को मिल रही है वो है 1 रुपीज और करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 4.08 रुपीज पर अपने 52-week लो की बात कर लीजिए या फिर ऑल टाइम हाई प्राइस के हिसाब से भी सबसे लो प्राइस पर जो है यहाँ पर हमें करंटली शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री ही मानी जाएगी बिकॉज 0.52 डेट इज़ ऑलमोस्ट 50 लाख का ही डेट देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज नहीं है, डिविडेंड लिल भी नहीं है और यहाँ पर फेस वैल्यू निकल कर आती है शेयर की 1 रुपीज। जो चीज़ के ऊपर यहाँ पर मैं फोकस कर रहा था वो है कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड 2018-2019 के अंदर आई गेस की यहाँ पर टाइप रहे होंगे, बट 2020-2021 के अगर हम डेटा देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर इतनी कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। ऑल दो 2020 में कंपनी ने यहाँ पर लॉस जरूर रिपोर्ट किया था, बट 2021 के अंदर जब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है तो उसके अंदर जो कंपनी को अपकमिंग एज वेल एज जो टर्न अराउंड आना चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। 2020 के अंदर जो रेवेन्यू था वही 2021 के अंदर रेवेन्यू यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर हमें सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें किस तरह की जो चीज़ है देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर बेसिकली पिछले 4 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर सिचुएशन जो है काफ़ी ओपन हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कितना रेवेन्यू अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो मार्च 2021 देखते हैं तो 9.53 करोड़ रुपीज़, जून के अंदर 1.59 करोड़ रुपीज़, सेप्टेम्बर के अंदर 3.8 और दिसंबर के अंदर 3.09 करोड़ रुपीज़। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो पिछले साल जो है यहाँ पर कंपनी ने 9.53 करोड़ रुपीज़ का जो है कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया था और 2020 के अंदर भी 6.13 करोड़ रुपीज़ का जो है कंपनी ने मार्च क्वार्टर यहाँ पर जो है कंपनी काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले 2 साल के हिसाब से ही बात करें तो यहाँ पर अगर इस साल दैट इज मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू मोर देन 10 करोड़ आता है या फिर 10 करोड़ से ऊपर अगर यहाँ पर एक अच्छा सा कंपनी का रेवेन्यू आता है तो मेरे आपसे एक जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो यहाँ पर जो
कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने मिल रहा है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बट यहाँ पर हमें जो है एक चीज़ पता होनी चाहिए, कंपनी जो नेट प्रॉफिट्स है वो काफ़ी स्टैगमेंट और काफ़ी जो आप कह सकते हो कि स्मॉल कैप एक पैनी स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, मार्केट कैप्चराइजेशन भी काफ़ी कम है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर अगर ज़्यादा यहाँ पर अगर हमें फोकस होते हुए देखने को मिलता है तो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर हमें इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर मेरा पर्सनली फोकस रहेगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स, दैट इज अगर हम पिछले साल अगर दिसंबर के सॉरी मार्च के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 9.53 करोड़ रुपीज़ आए थे। तो अगर इस साल अभी जो क्वार्टर्स के लिए जो रिजल्ट आएंगे वो अगर ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो एक अच्छा सा जो है यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन देखने को मिल सकता है, वो भी अपसाइड डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव रिकमेंडेशन। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर जो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है वो फिर से यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंटीमेशन। हालांकि यहाँ पर जो है कंपनी की मेजोरिटी होल्डिंग नहीं है तो ये भी हमें जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग स्लोली एंड स्टडली जो है बढ़ाती है, जो कि यहाँ पर हमें जो है सेप्टेंबर 2021 के अंदर 20.99%, दिसंबर 2021 एज वेल एज मार्च 2022 के हिसाब से जो है यहाँ पर कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है वो 24.49% होते हुए देखने को मिली, ऑलमोस्ट 4% जो है यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। बाकी का जो स्टेक है वो यहाँ पर पब्लिक के पास पड़ा हुआ है, तो ये जो चीज़ है वो भी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द होल्डिंग जो है यहाँ पर हमें कंपनी की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें पब्लिक के अंदर जो है सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रही है। बट मोर ओवर यहाँ पर जो कंपनी की होल्डिंग है, प्रमोट होल्डिंग है, वो यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली, सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीमेशन। हालांकि पब्लिक होल्डिंग के अंदर ही मोस्ट ऑफ द होल्डिंग के अंदर जो है बहुत ही बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर दिग्गज लोग जो है यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए है। सो नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज पीयर कंपैरिजन। अगर इस कंपनी को यहाँ पर अगर हम कंपनीज के साथ कंपेयर करें, जो कि एक तरह से देखिए गारमेंट ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी ये जो कंपनी काम करती है इसको जो है यहाँ पर हमें स्क्रीनर के टूल ने जो है यहाँ पर हमें अडानी एंटरप्राइज रेडिंगटन एगेस लॉजिस्टिक्स MMTC के साथ कंपैरिजन जो है दिया है। हालांकि ये जो इतना ये कंपैरिजन जो होगा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर इस कंपनी को कंपेयर करना भी चाहें तो यहाँ पर हमें एक अच्छे खासे जो है अपैरल बिजनेस के साथ करना चाहिए। हालांकि इस कंपनी को जो यहाँ पर ट्रेडिंग बेस जो सेगमेंट होता है उसके साथ कंपैरिजन में लिया गया हुआ है। अगर हम इसी कंपनी का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है वो ये कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी महंगा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टरली जो कंपनी रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सके। हालांकि कंपनी का ROC एज वेल एज जो ROE परसेंटेज है वो यहाँ पर इतनी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि ये अपने ऑल टाइम लो प्राइस के आसपास है, सो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बट यहाँ पर देखते हैं कि सपोर्ट कौन से लेवल पर ये शेयर लेता है और इस कंपनी की जो है मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं उसके हिसाब से जो इस शेयर में एक फ्लक्चुएशन बड़ा या फिर बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको नीवा का फैशन लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जिस तरह से एनालिसिस करके बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।